Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. This is Rahul. सुबह के बज चुके हैं 10 और यहाँ पे अभी साई सो रहा है. As you know guys, साई की तबीयत ठीक नहीं है तो कल का ब्लॉग शूट मैं नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी. गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप साई के लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और आपके लिए साई की मस्ती भरी वीडियोज में लेके जल्दी से आ जाऊँ. फाइनली साई यहाँ उठ गया है और आप देख ही रहे होंगे कि साई थोड़ा सा दुबला हो गया है. सो गाइज, यहाँ साई को ऐसा खेलता देख कर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि साई दो दिन से काफ़ी सुस्त था, तो एज ए पेरेंट हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था. आज ये खेल रहा है, आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बच्चे घर की जान होते हैं. डॉक्टर क्या नहीं जाना, ले चले आपको नहीं. क्यों? चिच्ची वाले डॉक्टर है. चिच्ची वाले डॉक्टर है? तो गाइस, यहाँ पे साई को कल लूज मोशन हो रहे थे तो डॉक्टर ने इंजेक्शन का बोला था, तो हम लोग ने इंजेक्शन नहीं लगवाया. साई काफी डर जाता है. जुड़ गई. नया टीवी चाहिए? हाँ. क्यों? इस कलर का टीवी चाहिए आपको? हाँ. लेकिन बेटा उस कलर में तो आता ही नहीं है. ये लाला. ऑरेंज नहीं आता है? आता है. चलो तो आज अपन शाम को चलेंगे. हाँ. ठीक है. ये वाला भी नहीं चाहिए. ब्लैक टीवी तो अपना ब्लैक है ना. हाँ. बहुत तेज चल रही है. यहाँ पे साईं काफी खुश है आज. आपकी दूसरी बुलेट ट्रेन कहाँ है? इसको भी चला लो ना आप. तो नई बैटरी ले आओ ना आप. ले आए. तो साईं काफी खुश हो रहा है. खराब हो गई आपकी ट्रेन? इसको हटा दो. नहीं अच्छा लग रहा आपको ये वीडियो? बेकार है. ठीक है, चेंज कर देते हैं अपन. गाइस, काफी दिन हो गए और मेरी गाड़ी हो चुकी है गंदी. मुझे जाना है जी काम से बाहर, तो चलिए करते हैं गाड़ी को साफ. तो गाइस, हम करेंगे अपनी गाड़ी को साफ. चलिए. गाइस, अगर आप गाड़ी साफ कर रहे हैं तो आप लीजिए एक कॉटन का कपड़ा जो काफी अच्छे तरीके से गाड़ी को करता है साफ. तो फाइनली गाइस, यहाँ हमारी गाड़ी हो चुकी है एकदम साफ. चलिए चलते हैं नहाने के लिए. तो गाइस, साईं की नहाओ नहाओ हो चुकी है स्टार्ट.
साईं आ चुका है नहा के। क्या हो गया बुआ जी? थॉमस ले गई? चलो ठीक है, अपन लेके आते हैं थॉमस। ठीक है, चलो जल्दी आप कपड़े पहन लो पहले। गाइस बच चुके हैं दोपहर के दो और आ गया है हमारा खाना। और खाने में है अरबी की सब्जी, दाल, चावल, थोड़ी सी प्याज और रोटी। तो चलिए खा के करते हैं आपसे बात। तो गाइस यहाँ पे साईं सो गया है। तो गाइस दोपहर के बच चुके हैं ढाई एंड एज यू नो कि साईं सो गया है तो मैं निपटा लेता हूँ कुछ जरूरी काम। गाइस मैं जा रहा हूँ सागर तक। तो गाइस यहाँ बच चुके हैं शाम के साथ और आ गया हूँ मैं सागर से लौट कर। गाइस आज है शनिवार तो हम चलेंगे शनि मंदिर, तो चलिए चलते हैं। गाइस रात के बज चुके हैं 9 और आ गया है हमारा खाना। खाने में है आलू बैगन की सब्जी, करौंदी की चटनी और रोटी। चलिए खा के करता हूँ आपसे बात। तो गाइस बज चुके हैं रात के 9:30 और यहाँ पे साईं मस्ती करने में लगा हुआ है। आज साईं काफ़ी एक्टिविटी कर रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे साईं सपना चौधरी के गाने एंजॉय कर रहा है। बज चुके हैं रात के 11। यहाँ पे साईं टॉकिंग जिंजर को खाना खिला रहा है। तो गाइस देखिए बच्चे भी कितना एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। साईं को काफी हंसी आती है। सो फाइनली गाइस यहाँ बज चुके हैं रात के 12:30 और अब मैं थक गया हूँ तो करता हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।